नेपाल में चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए आज पीएम मोदी ने वहां अपने दो दूत भेजे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर ने नेपाल के पीएम तक मोदी का संदेश पहुंचाया। माना जा रहा है कि इसमें नेपाल में बड़े पैमाने पर पुनर्वास के कामों में हाथ बटाने पर बात हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर ने काठमांडू में भारत की तरफ से चलाए जा रहे राहत अभियान का जायजा लिया। एनडीआरएफ के डीजी ने उन्हें बताया कि यहां राहत अभियान कितनी तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेपाल दौरे को सिर्फ राहत अभियान का जायजा लेने भर से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। पाकिस्तान की ही तरह चीन के एक्सपर्ट भी अजीत डोभाल के दिमाग और इरादों का लोहा मानते हैं। यही वजह है कि वो नेपाल दौरे से अजीत डोभाल के बेहद चिंतित हैं, क्योंकि डोभाल के बारे में ये आम है कि वो कभी भी कोई काम बिना मकसद नहीं करते और अक्सर उनके मकसद छोटे नहीं होते। दरअसल नेपाल में राहत अभियान में भारत के आगे होने की बात चीन को बहुत ज्यादा चुभ रही है। इसी वजह से चीनी सरकार नेपाल पर दबाव डाल रही है कि वो राहत अभियान में भारत की बड़ी भूमिका की खुलकर तारीफ करने से बचे, और अगर तारीफ की जाए तो चीन को उससे कम क्रेडिट नहीं दिया जाए। लेकिन भारत ने चीन की इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर इसी एजेंडे के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से मिले। इसके बाद अजीत डोभाल ने दो टूक कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में नेपाल की मदद के लिए सबसे पहले हिंदुस्तान आगे आया। यही कारण है कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर उससे पहले पहुँची, जिससे पहले यहाँ पर किसी को पता भी नहीं था कि कहाँ पर क्षति हुई है। उसके बावजूद जिस प्रकार से इंडियन टीम मदद कर रही है नेपाल की गवर्नमेंट की और नेपाल के फोर्सेस की, उसके लिए मुझे कहना चाहिए कि उनका कार्य बहुत ही अधिक सराहनीय है और वो इस काम में लगे हैं और इस काम को अंत तक किसी प्रकार से। रेस्क्यू और राहत के मामले में हिन्दुस्तान ने दुनिया के सामने साबित कर दिया कि वो नंबर वन है और बेस्ट है, और नेपाल की उसने सबसे ज्यादा मदद की है। इस मामले में चीन बुरी तरह से पिछड़ गया है, लेकिन आगे की जंग अभी जो बाकी है वो है पुनर्निर्माण की, और पुनर्निर्माण के मामले में चीन को दुनिया का एक्सपर्ट माना जाता है। अब यही बड़ा सवाल है कि यहाँ पर बाजी कौन मारेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की माने तो हिंदुस्तान नेपाल में पुनर्वास के काम में भी आगे रहेगा। जिनके घर टूट गए हैं, जिनके ये है, उनके लिए आशा भी है और एक ये भी है कि वो जल्दी से जल्दी उनका पुनर्वास होगा, वो रिहेबिलिटेट किए जाएंगे और वो जल्दी से अपने कदमों पे खड़े होकर एक नए नेपाल के विकास के लिए अपनी भूमिका को निभाएंगे। भारत और चीन दोनों के लिए नेपाल स्ट्रेटेजिकली बेहद महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि दोनों देश इस देश पर लंबे समय से अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते आए हैं। हिंदुस्तान इस कोशिश में कहीं आगे है, और इसी की मिसाल है कि यहाँ पर भारत के रुपए भी चलते हैं। अब आपदा के इस मौके पर नेपाल की ज्यादा से ज्यादा मदद कर भारत दोनों देशों को और ज्यादा करीब लाना चाहता है, और यही चीन की चिंता का विषय है। रवि शर्मा, पोखरा, इंडिया न्यूज़।